गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। क्या आप सभी तैयार हैं? यस सर। तो चलिए हिस्ट्री का क्विज है और शुरुआत करते हैं। तो अंशु जी आपसे क्वेश्चन है, मसलिन या मलमल किस प्रकार का कपड़ा था? बारीक बुनाई वाला। सही जवाब। स्वाति जी, मास्टिन शब्द का संबंध कहाँ से है? इलाके मौसम से। सही जवाब। अगला क्वेश्चन है इंद्रजीत जी, कैलिको का संबंध किस शहर से है? कालीकट। कालीकट। सही जवाब। प्रिंस जी, हर तरह की सूती कपड़ों को किस नाम से पुकारा जाने लगा? कैलिको। सही जवाब। जामदानी क्या था? बारीक मलमल के कपड़े। सही जवाब। अंग्रेजी का सीटज शब्द हिंदी के किस शब्द से निकली है? सीट। सही जवाब। स्टूडेंट जोरदार थोड़ा मतलब बुलंदी के साथ जवाब देना है ताकि आपका आंसर अच्छे से आए। यहाँ पे रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को क्या कहा जाता था? छेद। छेद। अगला क्वेश्चन, राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनाए जाते थे? बंडाना। सही जवाब। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के प्रयोग पर पाबंदी लगाने के लिए कब कानून पारित किया? 1720 ईस्वी। सही जवाब। कैलिको अधिनियम कब पारित किया गया? 1720 ईस्वी। ये भी वही डेट होगा। सही जवाब। स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किसने की? जॉन के। सही जवाब। स्पिनिंग जैनी का आविष्कार कब हुआ? 1764 ईस्वी। सही जवाब। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट। आर्कराइट। सही जवाब। वाष्प इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1784 ईस्वी। 1784 ईस्वी। तो ये क्वेश्चन पास होता है। इंद्रजीत आप बताएंगे आंसर, वाष्प इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में। हाँ तो एक और जवाब देना है, है ना? तो क्या बोल रहे थे इंद्रजीत? 1786 ईस्वी में। 1786। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांती मोमिन जुलाहा कैकोलार देवांग आदि समुदाय क्या कहलाते थे? बुनकर। सही जवाब। रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? चिप्पीकर। जामदानी और मलमल बुनाई के लिए कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध था? स्वाति जी आपका क्वेश्चन है, जामदानी और मलमल बुनाई के लिए कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध था? राजस्थान। नहीं, ये नहीं है। क्वेश्चन पास होता है। ढाका। ढाका। सही जवाब। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे पर किसका चिन्ह था? चरखा। सही जवाब। नेक्स्ट, किस प्रकार का वस्त्र राष्ट्रवाद का प्रतीक बना? खादी। सही जवाब। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? 1854। सही जवाब। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? मुंबई। सही जवाब। 1900 ईस्वी तक मुंबई में कितनी कपड़ा मिले चालू हो चुकी थी? 84। सही जवाब। तो इस क्विज को हम लोग जारी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।